ไม่รู้สันตระกูลमैं लगे हुए हैं क्योंकि यादें रहती हैं, बस यही यादें रहती हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स को बस यही चीजें, तालियां मिलती है, तालियां आ नहीं रही है कहीं से प्लेयर्स के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा की स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों को एक बूस्ट मिलता है। कैसा लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कश्मीर के अंदर, क्योंकि ड्रग भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्या ऐसे इवेंट्स होने? क्योंकि हमारे पास बहुत सी ट्रैक्स है जो यहाँ पर स्लैलम भी होने वाला है, नई रिवर में भी होने वाला है, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, स्पोर्ट्स काउंसिल की मैं बात करूंगी, हमें एक टारगेट दिया गया है इस साल के 35 लाख यूथ की एंगेजमेंट का। 35 लाख यूथ एंगेजमेंट कैसे होता है? ये प्लेयर की शक्ल में होता है, स्पेक्टेटर्स की शक्ल में होता है, एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों की तरह होता है। हमारे नेशनल इवेंट्स इस साल इंशाल्लाह काफ़ी होने वाले हैं। अभी मैं बात करूंगी आज के इवेंट के हवाले से। रिवर जहलिम में पहली बार कैनो या कयाक की रेस हुई, इसका क्या मकसद होता है? आपको लगता होगा ये सरकार आती है यहाँ बैंड बाजा लेके आती है क्या करके या कैनो करके निकल जाती? नहीं, स्पोर्ट्स में हर वक्त शबरेज आपने देखा होगा एक इंस्पिरेशनल वैल्यू है। आपने भी क्रिकेट देखा होगा, आप भी क्रिकेट से इंस्पायर देख रहे हो। आपने आज तक क्या सचिन तेंदुलकर को आमने सामने देखा? नहीं देखा। आपने टीवी पे देखा तो कहीं ना कहीं आप में भी वो जाग जाती है एक ख्वाहिश कि मैं भी प्लेयर बनूँ। सो स्पोर्ट्स हैज़ दैट मास इफेक्ट। जहाँ जब यहाँ से हमारे प्लेयर गए, वो नीचे डाउन तक गए, आते जाते हज़ारों बच्चों ने देखा, लोगों ने देखा, तो किसी न किसी अगर आज के इवेंट की वजह से हमारे 10 बच्चे स्पोर्ट वाटर स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, हमारा जॉब डन है, हमारा काम हो गया। आज ये जो हम डिस्प्ले कर, हमने जो यहाँ पे एग्जिबिशन मैचेस करवाए, बाकी ये सिर्फ है हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करना। आज वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे कश्मीर डिवीज़न का जो कैलेंडर है इस महीने का वो अनवील किया। इसमें ऑलमोस्ट 40 एक्टिविटीज़ है एक्रॉस ऑल पंचायत्स है, 20,000 प्लेयर्स को इन्वॉल्व हम कर रहे हैं इसमें। तो यही एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल में जुड़े, ड्रग से दूर रहे, सोशल लेवल से दूर रहे, और आने वाला कल और आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है वो रोशन रहे। नुसरत जी, रेज उस पर कहीं ना कहीं आपका भी रोल है, हमसे जुड़े रहिए, हमसे हमारे साथ एक कोलेशन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो मंजर आम पे नहीं लाता, तो कहीं ना कहीं फिर उसका जो असर है या उसका जो व्हाट यू कॉल एज उसका डिस्पर्शन है कम है। आप भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हमारे इवेंट है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए, क्योंकि इंस्पिरेशनल वैल्यू डिसमिनेशन से ज़्यादा बढ़ता है। रूरल एरियाज़ की आप बात करेंगे शबरेज, हमने फ्री स्टाइल जो इंडियन स्टाइल मड रेसलिंग है उसके
मैचेस करवाना शुरू कर दिया है, हमने रेसलिंग के मैचेस शुरू करवाए हैं, हम वॉलीबॉल के इवेंट्स करवा रहे हैं, हम कबड्डी के मैचेस करवा रहे हैं, हम रूरल एरियाज़ में हॉकी के मैचेस करवा रहे हैं। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि रूरल एरियाज़ में हमारे अब लड़कियों की फुटबॉल की टीमें बन रही हैं। हम रूरल एरियाज़ के हवाले से बात करेंगे, हम रूरल मानसबल में न सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स के कैंप लगा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।